नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंदर में। हम आज की वीडियो में साइंस के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न पहले भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मिश्रण को पृथक करने के तरीके, इसमें हम कुछ विधियां जानेंगे कि जो मिश्रण होते हैं उनको कैसे अलग किया जा सकता है। दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर जो बनता हुआ एक मिश्रण कहलाता है, तो उनको किस तरीके से हम अलग कर सकते हैं। तो कुछ मिश्रण है, जैसे कुछ मिश्रण को अलग करने की विधियां होती हैं, जिसकी हमारी पहली विधि है वाष्पीकरण विधि। इस विधि से हम क्या करते हैं, दो पदार्थों में से एक का वाष्पीकरण कर देते हैं। जैसे नमक और पानी का घोल है, उसमें से हमें नमक को अलग करना है, तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक का वाष्पीकरण करवा देंगे। जैसे कि हम पानी को थोड़ा, उस घोल को थोड़ा गर्म करेंगे, उससे क्या होगा, पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा और जो नमक है वो वहीं रह जाएगा। तो इस विधि से हम नमक और पानी के घोल को अलग कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा हमारा है अपकेंद्रीकरण विधि, किसी पदार्थ को तेजी से घुमाकर अलग करना। जैसे दूध से क्रीम निकालना, तो दूध को हम फेंटते हैं क्रीम निकालने के लिए, तो हम उसको घुमाते हैं अंदर। फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए, जो कपड़े होते हैं उनके अंदर धूल वगैरह के कण होते हैं, और उसमें से धूल वगैरह के कण बाहर निकालने के लिए हम वॉशिंग मशीन घूमती है अंदर, तो उसके अंदर जो प्रयोग किया जाता है वो अपकेंद्रीकरण का प्रयोग किया जाता है। श्राप और रक्त को जांचने के लिए प्रयोगशाला में भी इस्तेमाल किया जाता है इस विधि का। और यहाँ पर पेपर में कई बार ये वाले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दूध से क्रीम निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। वॉशिंग मशीन में जो कपड़े होते हैं उन्हें सुखाने के लिए, उन्हें धोने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पृथक्करण कीप क्या होती है, ये दो अघुलनशील द्रव को अलग करती है। यहां से क्या कर सकते हैं हम, दो अघुलनशील पदार्थ जैसे कि तेल और पानी क्या घुलते नहीं है। अब हमें तेल और पानी है, किसी भी चीज में तेल और पानी का घोल है, अब हमें तेल और पानी अलग करना है, तो उसमें क्या होता है, एक कीप होता है, इस तरीके से एक कीप बना होता है इस तरीके, और नीचे एक ढक्कन लगा होता है। उसमें क्या करते हैं हम, तेल और पानी का घोल डाल देते हैं, इसमें क्या होता है, तेल ऊपर हो जाता है, पानी नीचे आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, नीचे से ढक्कन खोल देते हैं और एक वीकर लगा देते हैं नीचे। यहाँ पर क्या होता है, सारा का सारा पानी नीचे आ जाएगा और जो हमारा जो तेल होगा वो ऊपर रह जाएगा। तो इस कारण, इस तरीके से हम क्या करते हैं, पृथक्करण कीप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऊर्ध्वापतन विधि, ठोस से सीधे गैस में बदलना। तो जैसे कपूर है, कपूर को किसी रेते में चूरा करके मिला दिया, अब हमें से अलग करना है। अब अलग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक कीप लेते हैं, और जो भी हमारा जो मिश्रण होता है उसको यहां पर रख देते हैं क्रिस्टल पर। फिर नीचे से इसे थोड़ा गर्म किया जाता है, इससे क्या होता है, जो कपूर होता है वो भाप बनकर यहां पर जमा हो जाता है साइडों में, यहां चिपक जाता है वो कपूर। तो ये विधि क्या होती है, ये विधि ऊर्ध्वापतन कहलाती है। अब यहां से एक इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा ये आता है कि सीधा ठोस से द्रव में बनने की वाली अवस्था को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपतन। जब कोई पदार्थ सीधा ठोस से द्रव ना बनकर गैस के रूप में बदल जाता है, उसको कहते हैं ऊर्ध्वपतन। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार पेपर में अधिकतर आता है वो ये क्वेश्चन होता है, या फिर ऐसी कौन सी वस्तु है जो सीधे, उसे अगर हम गर्म करें किसी, और वो ठोस रूप में, और अगर हम उसे गर्म करें तो द्रव ना बनकर वो सीधा क्या बन जाती, गैस बन जाती है, तो वो है कपूर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग कहाँ करते हैं, फिल्टर पेपर क्या यूज करके करते हैं इसका प्रयोग। इसमें क्या होता है, रंग वगैरह जैसे कहीं लग जाता है तो हम फिल्टर पेपर को उस स्थान पर लगाते हैं, तो जो रंग होता है अंदर का वो फिल्टर पेपर में बाहर आ जाता है, तो इस विधि को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। और खून से जग वगैरह अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आसवन विधि में क्या करते हैं हम, दो पदार्थ होते हैं जो घुलनशील पदार्थ होते हैं उनको अलग करते हैं। उनको अलग कैसे किया जाता है, क्योंकि हर पदार्थ का एक बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, जैसे पानी है और एसिटीन है। अब पानी को क्या करते हैं, पानी और एसिटीन का घोल है, उसमें हम क्या करते हैं,
ये पानी और एसिटीन का घोल है, और नीचे से जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं पानी को। गर्म करने के बाद क्या होता है, जो पानी वाष्पीकरण होकर उड़ने लगता है, जब पानी वाष्पीकरण होकर उड़ने लगता है, फिर वो गैस बन के उसको ऊपर से इस तरीके से अटैच कर दिया, और गैस बन के क्या होता है वो ऊपर चला जाता है और यहां पर दूसरे बीकर में आ जाएगा, और यहां पर आकर वो द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आसवन विधि द्वारा दो चीजों को अलग कर सकते हैं जो कि घुलनशील होती हैं एक दूसरे में, उनको बॉइलिंग कर कर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे थोड़ा कमेंट करके भी बताएं। धन्यवाद।